व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अभी तो आप देख रहे हैं अमित फिट चैनल। तो काफ़ी दिन हो गए दोस्तों, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आप देख सकते हैं कि मेरी मसल्स के ऊपर कितना फैट आ चुका है। तो अब मेरी जो फैट लॉस जर्नी है वो शुरू हो रही है। तो उसका जो सप्लीमेंट स्टैक है मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो बहुत से मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, जो उनको फैट लॉस के बारे में कुछ पता नहीं है कि उनको क्या इस्तेमाल करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो डायरेक्ट जाते ही फैट बर्नर का इस्तेमाल करती हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बताते हैं फैट लॉस की जो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमारी एल कार्नोटाइन। ये हमारी बेस्ट फैट लॉस में मदद करती है, बेस्ट हमारा सप्लीमेंट है जो कि हमारे फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करती है और हमारे फैट को रिड्यूस करती है बॉडी से। और उसके साथ साथ ताकि हमें वीकनेस महसूस ना हो, उसके साथ हम एक मल्टीविटामिन है उसका इस्तेमाल करते हैं जो कि एक डेली फार्मूला है। मल्टीविटामिन इंसान को या मेरे भाई बहन हर इंसान को हमेशा लेनी चाहिए ताकि जिससे हमें जो हमारे मिनरल विटामिन्स है वो हमें पूरी तरह से अच्छी तरह से मिल जाए जो कि हमें डाइट से नहीं मिल पाते। तो दूसरा जो हमारा सप्लीमेंट स्टैक है जो वर्कआउट के टाइम पे हमारे माइंड को फोकस करता है वर्कआउट के टाइम पे, वो हमारा है प्री वर्कआउट। ये एक बोल्ड न्यूट्रिशन का प्री वर्कआउट है ट्राइजर। तो आप एनी ब्रांड किसी भी ब्रांड का प्री वर्कआउट है जो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें वर्कआउट के टाइम पे एक अच्छी परफॉर्मेंस देने में हमारा हमारी जो है एक हेल्प करता है। तो उसके बाद हमें चाहिए BCAA ताकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी जो मसल्स है वो ब्रेक डाउन होती है, उनके जो टिश्यू हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, तो उनको रिपेयर करने में उनकी रिकवरी करने में हमारी जो BCAA है वो हमारी हेल्प करती है ताकि जो हमारे टिश्यू हैं वो ब्रेक डाउन हुए हैं तो उनको रिपेयर अच्छी तरह से हो पाए, हमारी जो मसल्स हैं वो अच्छी तरह से ग्रोथ हो पाए, उनके लिए BCAA हेल्दी है। और उसके साथ साथ जो एक हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सप्लीमेंट है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि वो है फिश ऑयल Omega-3। Omega-3 जो सप्लीमेंट है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमारी स्किन के लिए और दूसरी हमारी हार्ट एंड ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। Omega-3 सप्लीमेंट जो हमारे हार्ट एंड ब्रेन के लिए हेल्दी है तो इसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अपने बुज़ुर्ग, अपने माता पिता या किसी को भी आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्दी और स्किन के लिए भी बहुत हेल्दी है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरा जो हमारा लास्ट एंड फाइनल जो सप्लीमेंट है वो है वे प्रोटीन। आप कंसनट्रेट का इस्तेमाल करें या आइसोलेट का इस्तेमाल करें फैट लॉस के दौरान, यह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा क्योंकि जो आइसोलेट प्रोटीन है उसके अंदर नो कार्ब है नो फैट है, तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कंसनट्रेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसनट्रेट के अंदर आप मैं बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा फैट थोड़ा कार्ब हमें मिलेगा, लेकिन ओवरऑल आप अगर अपनी डाइट को हेल्दी रखेंगे तो वो आपके लिए सही रहेगा, आपको कंसनट्रेट जो प्रोटीन है वो भी अच्छी तरह से मदद करेगा। तो गाइस ये मेरे सप्लीमेंट स्टैक के बारे में वीडियो थी जो फैट लॉस सप्लीमेंट स्टैक है। और जो भाई अगर फैट बर्नर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये मसल टैक का हाइड्रोक्सिकट हार्डकोर सप्लीमेंट फैट बर्नर है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल लाइट है और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है नेचुरल है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फैट बर्नर ना लेके एल कार्नोटाइन का इस्तेमाल करें ताकि आपका जो फैट हो एनर्जी में कन्वर्ट हो और आपका फैट है जो बॉडी से रिड्यूस हो। तो चलेगा, इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।